ये उस समय की बात है जब भारत पे कुछ काली शक्तियों ने अपना वश स्थापित कर रखा था। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। पाप और जुर्म अपनी चरम सीमा पर थे। मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। और इसी आतंकवाद का एक हिस्सा डिंचक पूजा, जिसने कभी तो सेल्फी मैंने ले लिया, आज कभी दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, बापू दे दे थोड़ा कैश, अफीम फातिमा, और अब नाच नाच के नचनिया बन चुके हैं ये औरत। आम आदमी तड़प रहा था, भूखा मर रहा था, बचने की कोई उम्मीद, कोई आशा की किरण नहीं थी, हर जगह बस क्रिंज ही क्रिंज। और तभी एक बलवान व्यक्ति आया, जिसने डिंचक पूजा को, डिंचक पूजा के कारनामों को, डिंचक पूजा के साम्राज्य को हमेशा हमेशा के लिए, इंसानियत के लिए, सबको तबाह कर डाला। और डिंचक पूजा का खेल हमेशा हमेशा के लिए, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो इसी के साथ क्रिंज की देवी डिंचक पूजा का सत्यानाश हुआ। सब में मानो एक खुशी की लहर दौड़ उठी। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन की नहीं थी। डिंचक दीदी वापस आ चुकी है अपने नए क्रिंज के साथ। सुबह उठते हैं हम, ब्रश करते हैं हम, फिर खाते हैं हम, फिर जाते हैं हम। हे भगवान, थैंक यू भगवान। भाई बहुत ही बढ़िया लिरिक्स थी, मेरे कान कितने सालों से तरस रहे थे ये लिरिक्स सुनने के लिए। भाई बहुत ही ज़्यादा गजब लिरिक्स है। भाई जब तक डिंचक दीदी नहीं थी ना, मेरा जीवन बिल्कुल अधूरा था। अब डिंचक दीदी वापस आ चुके हैं, मेरा जीवन पूर्ण हो गया। इतनी खुशी मुझे। भाई मतलब तुम मुझे एक बात बताओ, अगर डिंचक दीदी नहीं तो तुम्हें कहाँ से सुनने को मिलेंगे इतने अवार्ड भरे लिरिक्स? मतलब पहले उठते हैं हम, ब्रश करते हैं हम, फिर खाते हैं हम, फिर जाते हैं हम। दीदी वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी वाह दीदी। बनाते हैं हम, उसे पीते हैं हम, फिर नहाते हैं हम, प्यार होते हैं हम। बोतल उठाते हैं हम, इसे खोलते हैं हम, पानी पीते हैं हम, फिर रखते हैं हम, कंघा उठाते हैं हम, बाल बहाते हैं हम, परफ्यूम उठाते हैं हम, फिर लगाते हैं हम। मेरे हिसाब से 100% मुंबई। सही है भाई, लिरिक्स, लिरिकल क्वीन है डिंचक पूजा। मतलब इसने अपनी सारी दिनचर्या एक ही गाने में बता दी है, मतलब कुछ भी बोले जा रही है। हम गाड़ी चलाते हैं हम, गाड़ी चलाते हैं हम। भाई इसे देख के ना मैं बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा, वीडियो सुनते हैं हम, सेल्फी लेते हैं हम, पोस्ट करते हैं हम, रोस्ट करते हैं हम, वापस। एक मिनट क्या बोला? करते हैं हम, रोस्ट करते हैं हम। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। नहीं नहीं नहीं, ये आप झूठ बोल रहे हो। आपने किसको रोस्ट किया है? खाली लोगों ने आपको रोस्ट किया है। आप मुझे रोस्ट करो, मेरे चैनल की सबसे बड़ी हेडलाइन होगी ये कि पूजा ने मेरे को रोस्ट किया। देखते हैं हम, बुक पढ़ते हैं हम, सो जाते हैं हम, हमें माफ करो, हमारे सुर ना तोड़ो, रहम करो, जाओ जाओ हमें छोड़ो। और एक काम करो, किसी और से नहीं, एटलीस्ट संगीत से मुंह मोड़ो, संगीत से मुंह मोड़ो। चलो भाई ये सब तो चलता रहेगा, अगर वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना कि अगला रोस्ट वीडियो किस पे बनाऊं। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।